कोरोना के प्रकोप का कोई असर नहीं पवित्र कुंड के परिसर में। पुरातन काल से ये है पवित्र कुंड। मान्यता है प्रभु श्री राम के बाणों वार से कुंड बने थे। ऋषि मुनियों ने इस कुंड को गर्म पानी के कुंड में बदला था, तब से पूरे परिसर में गर्म पानी के कुंड हैं। अकलोली गांव का पुरातन काल का इतिहास है। हजारों की संख्या में पर्यटक और भक्त आते थे हर रोज कुंड पर दर्शन करने और स्नान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन करने के साथ शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही सरसंग चालक मोहन भागवत यहां पर आरएसएस के नए कार्यालय साकेत निलयम का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या में शायद यह पहला मौका होगा कि दो दिग्गज एक साथ एक ही दिन रामनगरी में मौजूद होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के अयोध्या में 5 अगस्त आगमन का समय करीब 12 बजे का है। इसी समय आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी पधारेंगे। सरसंघ चालक मोहन भागवत यहां पर करीब 30,000 वर्ग फुट के परिसर में बने संघ के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। वैसे तो उनका नाम भी अभी तक बनी 268 मेहमानों की सूची में है। राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण की तैयारियों के साथ यह सच्चाई भी परिभाषित हो रही है कि यदि गत वर्ष 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के साथ राम जन्मभूमि ही नहीं पूरी अयोध्या और भारतीय अस्मिता पर 491 वर्षों से लगा घाव भर गया, तो अब आस्था का यह केंद्र भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता का नया प्रतिमान गढ़ने को तैयार है। सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में अग्रणी अयोध्या का वैभव अवर्णीय रहा है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है जहाँ युद्ध ना हो या जिसे युद्ध से जीता ना जा सके। जब से लॉकडाउन यहाँ पर चालू है, कुंड पर एकदम वीरान कुंड लग रहे हैं और यहाँ पर जैसे भक्तों की तादा लगा हुआ रहता था, अभी पूरा वीरान दिख रहे, खाली है। गांव भी एक तरह से वीरान दिख रहा है। क्या कहना आपका? वही, अभी सबका धंधा मंदी है। जब से लॉकडाउन, इधर का पब्लिक का तो पूरा ही बेहाल है, क्योंकि सबका जो इनकम आता था रोज का वो सब तो भक्तों पे ही था। जो भी वज्रेश्वरी एरिया है, वज्रेश्वरी, अकलोली कुंड, गणेशपुरी, ये सब टूरिस्ट पॉइंट है, इसको नाम दिया हुआ। बट अभी एक भी पब्लिक नहीं, इधर कोई नहीं पर्यटन, एक भी टूरिस्ट पॉइंट घूमने आ नहीं रहा। इसकी वजह से इधर का लोगों का पूरा बुरा हाल है, इधर का इनकम बंद है। इसकी वजह से यही सरकार से थोड़ा सा हमारा प्रार्थना रहेगा कि बाबा जल्द से जल्द लॉकडाउन खुल जाए और हमारा जो भी रहे बिजनेस, चार पाँच महीने होने लगा है, लॉकडाउन कंटिन्यू चालू है। गांव में कितने लोगों की बस्ती है, मतलब कितने घर है, क्या है, कितनी जनसंख्या है? एक यहाँ कुल मिला के 3 गांव है। एक गांव में मिला के 550 का जनसंख्या है। ऐसा कुल मिला के 1600-1700 लोगों का पूरा 3 गांव मिला के लोक संख्या है इधर का पब्लिक। तो पूरा जो गांव का जो खर्चा है या जो व्यापार है, जो भी है, वो इन कुंड और माता की वजह से चलता है। हाँ, जो टूरिस्ट पॉइंट है, मैंने वैसे ही बोला अभी आपको, टूरिस्ट पॉइंट की वजह से जो भी अभी इधर का इनकम है, जो भी रिसोर्सेस है, वो सब लोगों के ऊपर ही है। जो भी बाहर से लोग आते हैं उसके ऊपर ही है। इधर का जो भी आते हैं वो 2-3 दिन रहते, आने के बाद इधर स्टे करते, इधर आते, इधर का लोकली वही धंधा है, चाय पानी का, उधर नहाने के लिए, उधर सोई पानी करते, उनका ही, उनके लिए थोड़ा बहुत उनसे ही गुजारा हो जाता है। अभी कोरोना की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाता है, इसलिए सरकार ने भी अभी सबको बाहर निकालना बंद कर दिया है। और इधर भी अभी थाने ग्रामीण में आने की वजह से सब लॉकडाउन ही है। अभी इधर की वजह से 5 महीना हो गया, सब लॉज, होटल वोटल सब बंद है। इसकी वजह से कोई किसी का गुजारा नहीं हो पा रहा है। सन्नाटा पसरा हुआ है, श्रावण का महीना है। आपका पर डे कितने भक्त यहाँ पर आते थे आपके अंदाज से? मेरे अंदाज से इधर तो 2,000-5,000 से पब्लिक इधर आती थी। संडे के दिन जिस दिन छुट्टी रहते उस दिन तो इधर 10,000 के ऊपर भक्तगण आते थे। और कोई कोई लोग 2-3 दिन रुकते थे इधर, गेस्ट हाउस में रहते थे फैमिली के साथ, नहा के खाना पीना बनाते थे खुद और चले जाते थे। कोई बीमार है तो लोग 10-15 दिन भी रुकते थे इधर गेस्ट हाउस रूम में। तो एक ही सरकार की तरफ से हमका ऐसा चाहिए कि ये लॉकडाउन जल्द से जल्द कम हो और लॉकडाउन उठा के हमारा धंधा वगैरह लोगों को मंदिर चालू हो जाए और सब भक्तगण को आके दर्शन करने दो, नहाने दो और हमारा पूरा परिवार, हमारा बिजनेस चालू होने दो। यही सरकार से हमारा की रिक्वेस्ट है। इधर अभी इधर तो 7 कुंड है, शिव जी का मंदिर उधर 3 कुंड है, गणेश कुंड में कुछ 10-12 कुंड है।
ऐसा तो इतिहास में इसका 360 कुंड कहते हैं, मगर अभी जो है चालू कंडीशन में इतना कुंड है इधर। जैसे क्या कहेंगे, जिस तरह से देश में जो लॉकडाउन लगा है, उस लॉकडाउन के चलते यहाँ जो वजिश्री ये जो विभाग भाग है, यहाँ पर जो ये कुंड पर लोग जो भक्तगण आते थे दर्शन के लिए, नहाने के लिए, और जो भक्त यहाँ पर आते थे, लॉकडाउन से कम्प्लीटली बंद है, तो क्या कहना आपका? मेरा तजुर्बा ऐसा है, मेरा जन्म ही इधर हुआ है, वजिश्री मंदिर की एरिया में। गर्म पानी का जो कुआ है इधर, ये बहुत पुराने कुएं है, इधर से बहुत लोग नहाते हैं, इसमें से बीमारी भी अच्छी होती है। और ये जब से लॉकडाउन चालू हो गया है तब से इधर पब्लिक आना बंद हो गई है, और इधर आते पब्लिक जो आती थी, इसलिए इधर पूरा परिवार जो लोग रहते थे, जो उनका बिजनेस है, सबका बिजनेस बंद पड़ गया है। और मंदिर में मंदिर बंद है, ये गर्म पानी में पब्लिक को आते नहाने को मिलता नहीं। और श्रावण महीना जब से स्टार्ट होता है ना, तो इधर आज तुमको सब कोई दिख नहीं रहा है, एक ही इंसान नहीं इधर नहाने के लिए, मंदिर में भी कोई, मंदिर बंद होने से कोई जा नहीं दर्शन के लिए। तो यह गर्म पानी और मंदिर में बंद होने से हम लोगों का हालत बहुत ख़राब हो गया है। मैं तो माता जी को कहता हूँ, भगवान वज्रश्री माता को, क्या जल्दी से ये कोरोना अच्छा हो जाए और हमारा बिजनेस वगैरह सब चालू हो जाए। आज नागपंचमी है, और इस कुंड का क्या महत्व है, क्या पवित्र है ये कुंड? देखो, अगर ये कुंड का इतिहास पूछोगे तो पुरातन ऐसा इतिहास है कि राम राज्य से कुंड का महिमा है। श्री राम प्रभु यहाँ वनवास के लिए आए थे, तब ये मंदाकिनी पर्वत है, सामने जो दिख रहा है ना आपको, ये मंदाकिनी पर्वत है, उसमें उन्होंने कई साल बिताया है। और ये पानी जो है गर्म पानी, ये पानी को राम प्रभु जी अपना ये मार के, धनुष बाण रहता है ना, वो मार के पानी, ठंडा पानी निकाला था, गंगा इधर से निकल गई थी नहाने के लिए, फिर ऋषि मुनि आके उसको अपने मंत्र से इसे गर्म किया, तब से गर्म पानी निकल रहा है। और ये पानी का महत्व ऐसा है कि जो भी बीमारी रहती है ये पानी से, स्किन, लखवा, बहुत सी बीमारी अच्छी होती है। आज तक हम इधर रह रहे, हमको कोई बीमारी लगी नहीं है। अगर कुछ हमारा बीमार हो जाते हम लोग, तो हम इसमें नहाते तो अच्छे हो जाते हैं। जिस तरह से कोरोना का जो डर, जो खौफ पूरे देश में है, क्या आपके गांव में इस तरह का कोरोना का कुछ है या नहीं? हमारे गांव में एक व्यक्ति को हो गया था, मगर उसको हम लोग ने भिवंडी में PM हॉस्पिटल में लेके गए थे, उधर हमको उन्होंने लिया नहीं, उसके बाद हमको उनको घर पे लेके आए और वो होम क्वारंटाइन किया, वो अच्छा हो गया, उसके परिवार को किसको लगा नहीं, और हमारे गांव में पेशेंट है ही नहीं। मतलब इस कुंड का इतना प्रभाव है कि इतना प्रभाव है कि कोरोना भी नहीं छू पा, नहीं छू पाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृत शर्मा, आप देख रहे हैं STS टाइम्स। आज मैं भिवंडी शहर के वजेश्वरी गाँव, अकलोली और गणेशपुरी के इस इलाके में आया हूँ। इस इलाके में आज हम आए हैं, ये जो अकलोली की जो कुंड है, जो ये कुंड सावन महीने में जो गचागच भक्तों से भरी रहती थी, तांडा लगा हुआ रहता था यहाँ पर, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर देखे कुंड पूरी खाली पड़ी है। और मेरे पीछे की तरफ आप जो देख रहे हो जो पहाड़ है, उस पहाड़ को मंदाकिनी पहाड़ कहते हैं। जब श्री राम प्रभु वनवास जब गए थे, उस वनवास के दौरान जब उन्होंने यहाँ पर वनवास लिया था, और इसी पहाड़ पर आकर उन्होंने यहाँ पर धनुष बाण मारा था, उसी बाण से ये कुंड तैयार हुए। तकरीबन इस पूरे परिसर में 350 को कुंड है, और ऐसी मान्यता है, लेकिन उसमें से कुछ 20 से 25 कुंड ही अब जीवित अवस्था में है। और ये अकलोली गांव में 7 कुंड है, गणेशपुरी में 12 कुंड है, शिव मंदिर में 3 कुंड है, और सातुली गांव में 7 कुंड है। इस तरह से कुल मिला के 20 से 25 30 कुंड है। अभी श्री राम के बाणों से जो कुंड तैयार हुए थे, वो कुंड यहाँ पर मौजूद है। और हम और भी इस पे मान्यता, जैसे लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर जो वजेश्वरी माता का जो मंदिर है, वो स्वयंभू माता का मंदिर है। वजेश्वरी माता को मानने वाले कई सारे ऐसे भक्त है, देश में नहीं पूरी दुनिया में दूर दराज से लोग आते हैं। नित्यानंद महाराज का भी मंदिर यहाँ पे, लगभग ये पूरा परिसर एक मतलब भक्तमय है। यहाँ पर कई सारे भक्त आते हैं, टूरिस्ट पॉइंट है, और इस गाँव का जो रोज़गार है इन कुंड और मंदिर के वजह से चलता है। और लॉकडाउन के वजह से पूरी तरह से इस गांव का रोज़गार ठप पड़ा हुआ है, कोई रोज़गार नहीं चालू है। कुंड
कुंड पे वीरान छाई हुई है, पूरा वीरान पड़ा हुआ, मंदिरों को लॉक लगा हुआ है। और लगभग इस गांव के आसपास के इलाकों में, एक गांव में तकरीबन 500 से 550 घर है और तकरीबन 5 से 6 गांव यहां पर आसपास के परिसर में, और उनका पूरा रोजगार इन कुंड और इस मंदिर की वजह से चलता था, जो लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से ठप है। एक विशेष बात इसमें यह भी है कि यहाँ की जो कुंड है, ये कुंड का जो पानी है, ऐसी मान्यता है कि इस कुंड के पानी से नहाने से कोई तरह की बीमारी नहीं होती, कोई चर्म रोग नहीं होता। और एक विशेष हमें बात यहाँ देखने को मिली कि यहाँ पर जो कोरोना का प्रभाव है वो भी, उसकी भी मात्रा एकदम 0.1 वाली है, मतलब एक ही पेशेंट उनको मिला, और वो भी मतलब बाहर का। ऐसे गांव वालों का कहना है कि गांव के बाहर का एक पेशेंट था और जो वो एक मिला, मतलब पूरे गांव में कहीं भी कोरोना अपना प्रकोप नहीं दिखा पाई इन कुंड के वजह से, ऐसा गांव वालों का मानना है। भिवंडी से अमृत शर्मा।